राम कसौटी सो सहे जो मर जीवा होए, राम कसौटी सो सहे जो मर जीवा हो, जो मर जीवा होए, जो मर जीवा होए, जो मर जीवा होए, वाहिगुरु जो मर जीवा ओ कबीर कसौटी राम की झूठा टिके न कोए, झूठा टिके न कोए, कबीर कसौटी राम की झूठा टिके न कोए, झूठा टिके न कोए, कबीर कसौटी राम की झूठा टिके न कोए, झूठा टिके न कोए, कबीर कसौटी राम की झूठा टिके न कोए, 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 झूठा टिके झूठा टिके न कोए, 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 जो मर जीवा होए, जो मर जीवा होए, कभी ऐसा कोई न जन्मे अपने कर लावे आग, अपने कर लावे आग, ऐसा कोई न जन्मे अपने कर लावे आग, अपने कर लावे आग, ऐसा कोई न जन्मे
अपने कर लावे आग, अपने कर लावे आग, ऐसा कोई न जन्म अपने कर लावे आग, अपने कर लावे आग। पांचो लड़का जार के रह राम लिव लाग, रह राम लिव लाग, पांचो लड़का जार के रह राम लिव लाग, रह राम लिव लाग, रह रह राम लिव लाग, रह राम लिव लाग, रह राम लिव लाग, रह राम लिव लाग। गुरु प्यारी साध संगत जथे सारे प्यार वाले ते सारयां दा मन करदा कि 5 मिनट भावें हाजरी लवाइए, लवाइए जरूर। और ए काफला इदां दा आनंदमई बन गया है कि लगदा कि सारे प्रोग्रामां विच अगले साल तो सारे जथियां नूं शायद 5-5 मिनट दी हाजरी मिलिया करे, क्योंकि प्यार इन्ना करदे है सारे जथियां नूं, कृपा इन्नी है। कबीर ऐसा कोई ना जन्मे हो अपने घर लावे आग, पांचो लड़का जार कह रहे राम लिव लाग। सचमुच सिंह साहब जी भी कह रहे सी हुणे कि तेरे अंदरों तेरी अखां विच ओ अंगारे होण, और जिन्हें काम क्रोध लोभ महंकार पंजा लड़कियां नूं जारता सवाह कर दिता। अगे पंक्ति है कबीर, वो है लड़का बेचे लड़की बेचे कोए, सांझा करे कबीर से हर संग बण हर संग बण करे। पंज काम क्रोध लोभ महंकार ते तृष्णा ते ईरखा दो इन्हां दियां भैणां तीआं, वो भैन भरा हो गए ते साडे धी पुत हो गए। कबीर जी कहिंदे आ जिन्हें इन्हां पंजां नूं साड़ के सवाह कर दिता ना, वो ही कह सकेगा कि कोई नहीं अपने जजीर की लाश वेख के अगे निकल जाएगा। वो ही कहेगा इहदे ते कपड़ा नहीं पाउणा जिन्हें इन्हू जार लिया होगा, जिन्हें इस चीज नू मार लिया होगा। और सच करके अपने घर लावे आग, जे बाहर दे घर नू वेखीए ते गुरसिखां ने इस पंक्ति दा व्याख्या करके दिखाई है। मोती मेहरा जी ने अपना परिवार ही सारा निशावर कर दिता, अपने घर लावे आग, बाहरले परिवार नू दुनिया नू, पर अंदरले पहला अंदरा पंजां नू जा रहा, फिर बाहरले परिवार, फिर बाहर परिवार ते आई गल। लखी शाह बनजारा करके दिखाती व्याख्या इस पंक्ति दी, क्योंकि पंजा नूं जा रहा सी ते फिर बाहर दे घर दी ते परवाही कोई नहीं है, गल ते इन्हां दी है। जदों ये जर गए ना ते फिर कोई भी दुनिया दी चीज जिहड़ी है, भावें चंदन चंदन सरद मुत रूप मूल ना मिटही काम, जुल्म नूं जालम नूं इह भुलेखा पै गया है भी ठंड नाल ठर जाणगे। शीतल थीवे नानका जपंदड़ो हर, जिहड़े इन्ने रत्ते गए रंग दे विच, दुनिया दी ऐसी कोई अग नहीं जिहड़ी तत्ती तवी नूं गर्म कर सके। और इह ठंडे बुर दे विच वी ओह हवा ठंडी बन के नहीं लगी। सो गुरु प्यारियो, क्योंकि बाणी ऐसी एक
अंदर सपेट भरती है। जदों असीं ये पंजां नूं जार के साडे अखां विच आए हुए अंगारे जिहड़े आ जलम जालम नूं साड़ के सवाह कर देणगे, ते जे किते पंजां तों बिना साडी अखां च अंगारे आ गए ना, जे इहनां नूं ना मारे होया साडी अखां च अंगारे आ गए, ते उह अंगारियां दा सिक सानूं लग जाणा। बस ख्याल इन्ना रखण दी लोड़ है, जे किते इह पंज अंदरों मारे होए ते जिहड़ी तुहाडी अखां दे अंगारे आ ना, उह दुश्मन नूं भाजणा पा देणगे। ते जे किते उहो ही पंज अंदरों ना मरे होए ते इही अखां दे अंगारे जिहड़े साडे ते सानूं सेक पहुंचाउणगे। सो गुरु कृपा करे, मैं देख रहा सी जदों सिंह साहब दा कथा कर रहे सी, इन्ना टका और मैं मन विच विचार कर रहा सी, मन च बैराग आ रहा सी, मेरे मालका पहला ते इन्नी संगत नूं इकट्ठा करना ते फिर इदां दा टका बनना, सतगुरा तेरी रहमत तो बिना नहीं। मैं क्या साडे जालम ते कहिंदे उड़ता पंजाब, ते मैनू वेख के आ रही उठदा पंजाब, ये पंजाब उठ गया हो। गुरु कृपा करे प्यारियो, ध्यान की गल है, ध्यान नूं टका लईए, ध्यान नूं अपने अंदर लैइए, बाहर जाण तों रोकीए, क्योंकि कहिंदे ना रब दा ध्यान धरो, रब ते साडा ध्यान धर के बैठा, रब ते सानू संभाल रहा है। ध्यान ते उहदा रखीदा ना जिहड़ा कमजोर होवे, जां बच्चा बैठा होवे तां ध्यान रखी, ध्यान ते उह रख रहा। एक पासे अज पंक्ति गुरबाणी चों लईए, आप सवारे मैं मिला, मैं मिलिया सुख ऐ ठंडा बुरज कहिंदा। आपे दी गल है ना कि आप सवारे मैं मिला, दो पक्ष ने हुण देखियो, आप सवारे मैं मिला, मैं मिलिया सुख, दुनिया की कोई ताकत ठंडे बुरज विच भी दुख नहीं दे सकती, जे मैं अपना ध्यान अपने ते ला लिया, ते जे मैं अपना ध्यान अंतरमुखी कर लिया, अपने ध्यान अपने नाल जोड़ लिया, अपने नूं वाच लिया, आप जिहड़े गरीबान मैं सिर नीवा कर देख लिया, जदों फिर इस ठंडे बुरज विच बैठी भी माता जिहड़ी है साहिबजादे मेरे बाबे, उहनां नूं की कर लेगा। एक ये हो गया। दूजा पक्ष, दीन गवाया दुनी स्यों, दुनी न चाली साथ, ते पाए कुहाड़ा मारिया गाफल अपने। एक पासे सवारन की गल हो रही है, दूजे पासे पैरां ते कुहाड़ा वज रहा, अपने ते कोई नहीं मार रहा। यह है साडा अंतरमुखी होना, ध्यान। गल इत्थे यह है कि असीं उहनां नाल खलो के अपने पैरां ते कुहाड़ा मारना कि ठंडे बुरज बह के अपने आप नूं सवारना। गल आत्म दे ध्यान दी है। गुरु प्यारियो, सच करके जाणियो, जदों असीं अपने आपे नूं वाचना शुरू कर दिता ना, अज ते मेरे वर्गा कोई मोती महरे नूं मिलन चल जाए ते कईआं ने कहना लै पता नहीं इहनूं कीहड़ी थोड़ सी उत्थे चल गया। जे मेरा कितें दिल करे मैं गनी खां नबी खां कोल जाणा ते कहण लग पैणा वेख्या हरे पटके वाले कोल चल गए, इहनां नूं पता नहीं की हो गया। जिहड़ी सिंघ साहिबां ने कही गल भी धड़िआं तों उठीए, क्रिटिसाइज करन तों उठीए, अपने गड़ीवान में सिर नीवा कर देख। गुरु प्यारियो, शुभ अमलां तों गल शुरू होई ते शुभ कर्मां ते आण के फिर उत्थे आई गल। बाबे ने कहा मैं किसे नूं नहीं देखदा, कौण है, मैं शुभ अमल देखदा, शुभ अमलां बाजो। ते गुरु गोबिंद सिंह ने कहता शुभ कर्मन ते बाबा, जे तू कहता ना कि शुभ अमलां बाजो दोनों रोई, ते शुभ कर्मन ते कबहू ना डरो। इत्थे गल बड़ी वधिया मैनूं सिंह साहब दी लगी आ, जिहड़ी साडे विच वाकिया ही जिस चीज़ की कमी है। बाबे ने यह नहीं वेख्या जदों सिलैक्ट किया ते मोती राम महरा भी हो गया, जदों शुभ अमलों की गल आई ते उदों फिर टोडर मल नूं भी बाबे ने गल ना ला लिया।
जो शुभ अमलों की गल आई उदों फिर यह नहीं वेख्या किहड़ा सिख ते किहड़ा हिंदू ते किहड़ा ईसाई ते किहड़ा मुसलमान उदों फिर गनी खां ते नबी खां नूं वी गल ना ला लिया ये मैसेज है। पर जे अज किते असीं सच करके जाणियो मैं श्रीनगर गया ते मैनूं उत्थे किसी मुसलमान दे नाल मेरी थोड़ी जी दोस्ती बनी ते मैनूं कहा बाबा जी तुसीं उत्थों आए जे जिथों आबे हयात दा चश्मा फुटदा दरबार साहब दा मैं जदों नां दस्सिया ना ते मैं उहदे कोल सिर्फ आपे रोटी बना के ते छकण वास्ते कुकिंग दा मजा आउंदा उत्थे आप करन दा मैं उहनूं कहा मैं कहा 2 किलो आटा दे दे बस आंदा बाबा जी खुला आटा नहीं साडे कोल हुंदा सरदार जी पैक हुंदा है। गल्लां करदिआं करदिआं कित्थों आए सरदार जी मैं कहा जी मैं अमृतसर तों आया आंदे बाबा जी अमृतसर तुहाडे खुदा दा घर है जिथे आबे हयात दा चश्मा चलदा उत्थों आए ने मैं कहा जी उत्थों आया मैं उन्होंने कहा जी मैं उत्थे उहदा कुकर आ ते मैं कीर्तन भी कर लैना उत्थे करदा वां मुंडे नूं आंदा बाबा जो चाहिदा सरदार जी नूं दे दे कोई नहीं खोल के दे दे पैकेट हुण उह कहे बाबा जी मेरे घर प्रशादा छकोगे ते मैनूं अपने सिखां कोल डर लगी जावे किसे नूं पता लग गया भी पता नहीं मुसलमान दे घर की लैण चल गया पर मैनूं उहदे चोगे नहीं खांदी सी जावे इन्ना उहदा प्यार वेख के इन्हां चीज़ां तों उपर उठीए क्योंकि इस अंदर देही अंदर पंच चोर वसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकारा ते इसे देही अंदर नौनित अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विसरसा ध्यान तुसी लाउणा पुट के अंदरों तुसी लिआउणा वा भी असी नौनित अमृत नाम नूं नाल जुड़ना है जो अमृत नाम नाल जुड़ गए फिर साढ़े नाल सानू कोई मंदिर नहीं दिसेगा फिर सानू कोई मस्जिद नहीं दिसेगी फिर सानू कोई चर्च नहीं दिसेगा फिर सानू सभा कट राम बोले और एक कंसैप्ट ठंडे बुझदा है। बस गल इन्नी है भी कम दोनों ड्यूटियां साडियां ने असी अपने आप नू सवारन वालियां दे नाल बैठना असी पाए कुहाड़ा मारिया अपने हाथ अपने हत्थां नाल आओ गुरु कृपा करे बड़े चिर तों बैठे हो सतगुरु रहमत करे जिस तरह बैठे हैं इस तरह साडा हिरदे दा अंदर दा टिकाओ बन जावे टाइम बहुत हो चुका है मर्यादा विच भी रहना समूह संगत दा बहुत बहुत धन्यवाद है। आओ एक वारी ना अरदास करिए सतगुरु जी सानू हे बाबे हे मेरे माता जी गुरु गोबिंद सिंह पिता जी तरस करो साढ़े ते इन्नी रहमत करो कि सानू सब कुछ अपना ही लगे सभ्य साझी वाल संदायन तो किसी ना दसे बहरा जियो ऐसी बिरती बन जाए कि साडा जीवन दे विच अहीं पंजां नूं साड़ लईए पंजां नूं मार लईए ते किते आया सफल हो जाए। आओ गुरु कृपा करो शब्द में पंक्ति पढ़ के समाप्त करिए पाचो नर का जार के रह राम निव लाग रह राम निव लाग पाचो नर का जार के रह राम निव लाग रह राम निव लाग रह Thank you.
मन जी